एक आदमी को मिर्गी आ गया था। अच्छा, मिर्गी आ गया था। नॉर्मल कितना हुआ आपका? नॉर्मल मेरा 92 था। 92 था। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मैं मौजूद अभी सेंटर पे। मेरे पीछे देख रहे हैं सभी युवा आ रहा है और इन्हीं लोग से चर्चा करेंगे अभी कि आज आप लोग कौन सा कैटेगरी से हैं और कैसा रहा रनिंग। 18 को कितना में? वही लगभग मैं 80 और नजदीक आ जाना, 80 को में। हाँ। आपका भैया? मेरा हाइट में चेक कर दिया। हाइट में? हाइट चेस्ट कहाँ से ले रहा है? चेस्ट तो पूरा प्रॉपर ले रहा है, निप्पल के ऊपर, निप्पल के पास से ही ले रहा है। और हाइट में भी ठीक ही ले रहा है, जिसका कम है उसका कम। कितना दिया आपका? 169.4। खिंचा खुचा नहीं किया? अच्छा, आज रनिंग में जो है कहाँ मिस्टेक कर रहा है ताकि लोग इतना बाहर हो गया, वहाँ पर भी जा रहा है उतना? जो दौड़ा है वो नहीं प्रैक्टिस किया है, वही छटा रहा है। जो प्रैक्टिस किया है वो निकल जा रहा है। अच्छा अच्छा, ओबीसी वाले आप? जनरल? हम जनरल वाले हैं। आप? हम EWS हैं। जनरल? आप? ओबीसी। ओबीसी? आप? EWS। अच्छा, अधिकतर कैंडिडेट यहाँ पे जो आ जाइए, थोड़ा सा और बताइएगा, अभी अभी बहुत सवाल है। हाँ हाँ, आइए। और अभी कैंडिडेट को कैसे कहेंगे आप लोग कि रनिंग करे? कैंडिडेट को रनिंग में तो बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन चेस्ट जिसका पूरा नहीं है वो कोशिश करे कि जो आने वाले स्टूडेंट है वो चेस्ट पे ज्यादा मेहनत करे और चेस्ट फुलाने पे खास तौर पे ज्यादा मेहनत करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 94-92 भी चेस्ट है लेकिन वो 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पा रहा है। ठीक है, हमसे भी नहीं फुला, मेरा 4 ही सेंटीमीटर फुला जिसमें हम चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो जो अपकमिंग स्टूडेंट है वो लोग चेस्ट पे मेहनत करे और रनिंग तो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। वेदर भी बहुत अच्छा है अभी यहाँ का और सपोर्टिव भी है रनिंग में, तो रनिंग बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और थोड़ा चेस्ट पे बच्चे को मेहनत करने की जरूरत है। चेस्ट पे नहीं? आपका भैया क्या चीज में बार हुआ? मेरा सर हाइट में। आप? अच्छा, हाइट में। रनिंग वाले कौन है आप? नहीं, रनिंग वाला अभी नहीं आया। रनिंग वाले अभी नहीं है, इतना जब उबला रनिंग वाले हैं। अच्छा, कितने कैंडिडेट अभी बाहर हुए थे? 20। कितने में? 9 चेस्ट में और 11 हाइट में। हाइट में? अच्छा, एक्चुअली है कि चेस्ट के बारे में बहुत अच्छा आपने बताया कि बहुत कैंडिडेट तगड़ा रहता है, हट्ठा कट्ठा रहता है, लेकिन उसका फुलता नहीं। उसका कुछ तरीका है फुलाने का? कैसे फुले है? इसका एक्सरसाइज वगैरह है? अगर वो सीधा रहे कि अगर फुलाएगा तो हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं नहीं, मतलब कोई पीछे एक्सपेंड नहीं हो रहा है। हां, पीछे खींच लेता तो सुबह एक्सपेंड नहीं हो पाता। जिसका चेस्ट होता क्या ज्यादा है ना, वो भी इस तरह तन के खड़ा होता है। जिसका ज्यादा है, 80 से ज्यादा है चेस्ट, जिसका चेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कैंडिडेट को। चेस्ट में छट गया, मतलब 3 सेंटीमीटर नहीं फुला पाए। 3 सेंटीमीटर फुला, 5 सेंटीमीटर फुलाने का। नॉर्मल कितना हुआ आपका? नॉर्मल मेरा 92 था। 92 था? हाँ, भाई हाँ। देख रहे हैं, इनको लगता हुआ कि मेरा चेस्ट हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं, घर में प्रैक्टिस नहीं करते थे? नहीं भैया, घर में प्रैक्टिस, इसलिए छट गया ना। तब बहुत अच्छा, आपका भी चेस्ट में है? चेस्ट में आप थे? हाइट में भी? कितना छोटा छोटा है। अच्छा, ये जो नहीं फूल पा रहा है 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और क्लोज आ जाना है, तो उसका नहीं फूल पा रहा है, मेन कारण क्या है? कैसे वो? डर भी हो रहा सर, डर भी करता था। हम तो एक चांस दिया, दो लड़का को 2-3 चांस दिया तो निकल गया। अच्छा, हमको अगर एक चांस दो चांस देता था हम भी हो जाता मेरा। लेकिन फूला था कितना आपका? मेरा 92 था ऐसे। फूला के 95 किया था, 3 फूला था। तीने फुला था ना, 2 सेंटीमीटर बहुत मायने रखता है फूलने के लिए कैंडिडेट से। हम हाँ नहीं, 2 बहुत है, क्योंकि आप लोग अगर देखते हैं कितना परेशानी का झेलना करना पड़ता है, इसीलिए आप लोग घर में हैं तो आप लोग फुलाएं। अच्छा, कैसे एक्सपेंड करने का घर में प्रैक्टिस करेगा, ये थोड़ा सा ज्ञान? ऐसे करके पूरा बोला वो, जैसे बताया हम बता दिए। अच्छा, आप बता दीजिए कैसे एक्सपेंड करेगा लड़के लोग? एक्सपेंड करने में लड़का लोग है, हाथ को पीछे खींच लेता है। हाथ को पीछे खींचने के बाद शरीर पतला हो जाता है। पतला हो जाता है, एक्सपेंड आपको यहीं से करना है। हाँ, मतलब फेफड़ा के अंदर हवा भरना, ये पीछे वाला पोर्शन है, इससे चेस्ट पुराना है। अच्छा, तब जाके चेस्ट पुरेगा। ये पीछे करता है, ये बॉडी पतला हो जाता है, इसलिए फूल नहीं पाता। निप्पल ऊपर नीचे? नहीं नहीं, प्रॉपर एकदम निप्पल पे से नाप रहा है। निप्पल फीता कौन सा है? पिता वो कपड़ा ना काटने वाला? हाँ हाँ, मतलब प्लास्टिक वाला? हाँ, वो इंची वाला नहीं, 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 वो नहीं, स्टील वाला नहीं। ये सब रनिंग वाला है, यानी कि रनिंग में जो अनफिट हुआ है, और इन्हीं से चर्चा करेंगे आखिर कहाँ इन लोगों से मिस हुआ और टाइमिंग क्या आ रहा था, थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग। भाई साहब जाइए थोड़ा सा, भाई आप लोग भी। सब चीज बढ़िया रहा? हाँ हाँ। तो आपका टाइमिंग नहीं आया था? 12 सेकंड ज्यादा लग गया। 12 सेकंड सिर्फ? नहीं, आज कितना क्वालिफाई किया? 74 रनिंग क्वालिफाई कर गया। 19 को छटाया, बाद बाकी सब क्वालिफाई। 19 को? आज ही आप लोग भी इधर से थोड़ा सा बता दीजिए, आइए भाई। अच्छा, एक्चुअली है कि कैंडिडेट आज अनफिट बहुत देखे मैंने, आखिर कहाँ कहाँ मिस्टेक, कहाँ कहाँ गलती कर रहा है ताकि वो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं?
हाइट में हो रहे हैं, चेस्ट में हो रहे हैं। हाँ हाँ, हाइट चेस्ट में तुम 20 को बाहर किया। हाँ, उसके बाद धूप के कारण। अच्छा, धूप हो गया तो धूप में दौड़े नहीं थे। अच्छा, आप इसी कारण सुबह सुबह रनिंग। हाँ, सुबह में इसी कारण। तो अच्छा, धूप में अगर दिन नहीं दौड़ सकते, शाम में दौड़िए। शाम में। हाँ, शाम टाइम। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के हैं, बाद बाकी सब ठीक। सब यही कहता है भाई, क्वालिफाई वाले के भी सुनेंगे, अपने आप पे भरोसा रखें। अच्छा, कैंडिडेट का आज कितना बैच बना था? था मतलब 140 आज बुलाया गया था। 140 बुलाए। हाँ हाँ, क्या फोन रख दीजिए, बात बात कर। 140 बुलाए थे, लेकिन उसमें से 74 और इसमें से 18 जोड़ दीजिए, इतने को रनिंग करवाया। 74 18 नहीं समझे, 92 को रनिंग करवाया। अच्छा, रनिंग 92 करवाया। हाँ, जिसमें कि इतना 18 को बाहर हुआ और डिस्क्वालीफाई 19। अच्छा, सॉरी 19। अच्छा, 19 कैंडिडेट बाहर हो गया ना, तो ज्यादातर आप लोग वहाँ पे बातचीत कर रही हैं, तो किन्हीं को बोला मेरा पैर पकड़ लिया, मेरा पेट पकड़ लिया, किसी का टाइम। एक आदमी को मिर्गी आ गया था। अच्छा, मिर्गी आ गया था, तो क्या कारण हो सकता है मिर्गी आने का? लिया होगा रेडबुल सब कुछ। अब जो लिया वो उसके भी कुछ लिया, मेडिसिन नहीं। अच्छा, फिर ज्यादातर आपका प्रॉब्लम क्या आया जो आप बाहर हो गए? पतले दुबले थे, रनर लग रहे थे, क्यों बाहर हो गए, कैसे, कारण कहाँ मिस्टेक हो गया? धूप के कारण से मेरा स्टेमिना बन नहीं पाया। अच्छा, बन नहीं पाया। नहीं, आपका भाई साहब पहले ठीक ही टाइम, मतलब कोई तरह का शरीर में परेशानी नहीं?